अब देखो 35,000 जो बजट है ना, इसमें आप गेमिंग लैपटॉप तो भूल ही जाओ। इसमें आपको गेमिंग लैपटॉप एकदम ही देखने को नहीं मिलते। पर इस बजट में एक चीज काफी बढ़िया है कि इस बजट में आपको प्रोफेशनल के साथ स्टूडेंट के लिए भी काफी बढ़िया बढ़िया लैपटॉप ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड जब मैं ऐसे लैपटॉप ढूंढ रहा था तो मुझे एक ऐसा लैपटॉप भी मिला जो कि नंबर 1 पे भी है। एंड उस लैपटॉप को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लैपटॉप ना सिस्टम पार देंगे। हाँ, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है? ठीक है, अब शुरुआत कर लेते हैं नंबर 3 वाले लैपटॉप से। तो ये लैपटॉप आपको लेनोवो की तरफ से मिल जाता है। एंड ये कोई नॉर्मल सीरीज नहीं है, ये थिंकबुक सीरीज का लैपटॉप है। इसका नाम है लेनोवो थिंकबुक 15G5 लैपटॉप। अब सबसे पहले कि इसके कुछ फीचर्स जान लो। इसमें आपको प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, 180 डिग्री हिंज एंड साथ में आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिल जाती है। तो नो डाउट ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो काफी ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लैपटॉप। और प्राइसिंग भी इसके बस 38,000 है। अब प्राइसिंग को लेकर सीन कुछ ऐसा है कि कोई भी लैपटॉप एग्जैक्ट आपको 35,000 नहीं है, उससे 2-3 हजार ऊपर भी हो सकती है या 2-3 हजार नीचे भी हो सकती है। पर आपका जो लैपटॉप है वो एकदम एक नंबर होने वाला है। तो अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ ना, तो इस लैपटॉप में आपको राइजन 7 7530U का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला एक प्रोसेसर है। एंड ये राइजन का एकदम लेटेस्ट सीरीज वाला प्रोसेसर है। 8GB की DDR4 रैम मिल जाएगी, जिसको कि आप 24GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। 512GB की Gen 3 SSD मिल जाएगी एंड ये भी एक्सपेंडेबल है। बाकी 15.6 इंच के फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 250 nits ब्राइटनेस एंड 45% एंटी के साथ। AMD के रेडॉन ग्राफिक्स मिल जाएंगे, 45 वॉट आवर्स की बैटरी दी गई है, 65 वॉट के एडेप्टर के साथ एंड सभी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाएंगे। एंड अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करूँ तो ये आराम से 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल कर दे देगा। तो ओवरऑल ये जो लैपटॉप है ना, मुझे तो काफी अच्छा लगा, तो सोचा इसको लिस्ट में ऐड करना तो बनता है। बाकी आप इसको एक बार जोर से चेकआउट कर लेना, इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो अपना इंडियन ब्रांड का लैपटॉप है एंड आई नो काफी लोग समझ भी गए होंगे कि हम किस लैपटॉप की बात कर रहे हैं। यस, ये आपको ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से मिल जाता है। इसका नाम है ज़ेब्रोनिक्स NBC 4S। मेटल बॉडी वाला ये लैपटॉप है, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। अब देखा जाए तो ये लैपटॉप्स की कैटेगरी में थोड़ा नया लग रहा होगा, पर ट्रस्ट मी, इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन को कोई बीट ही नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज की ये लैपटॉप को बस 33,000 का मिल जाएगा, तो अपने बजट में भी है ये लैपटॉप। बाकी इस लैपटॉप के अंदर आपको इंटेल का 12th जनरेशन i5 1235U का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला एक प्रोसेसर है। एंड ये प्रोसेसर आपको 40,000 के ऊपर वाले लैपटॉप्स में ही देखने को मिलता है। बस 16GB की DDR4 रैम मिल जाती है, जिसको कि आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। 512GB की Gen 3 SSD दी गई है, विच इज एक्सपेंडेबल। तो रैम एंड स्टोरेज भी आपको सबसे ज्यादा इसी में देखने को मिलता है। 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, इंटेल के USD ग्राफिक्स मिल जाएंगे, 65 वॉट का एडेप्टर मिल जाएगा एंड ऑल नेसेसरी पोर्ट्स के साथ ये आपको 7-8 आवर्स का बैटरी बैकअप निकाल कर दे देगा। तो अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस के मामले में तो ये काफी बढ़िया है एंड पर्सनली मुझे भी ये काफी अच्छा लगा, तो डेफिनेटली मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड नंबर 1 वाला लैपटॉप जाने से पहले वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। नाउ नंबर 1 पे जो लैपटॉप है वो आपको HP की तरफ से मिल जाता है। इसका नाम है HP लैपटॉप 14। अब इस लैपटॉप को नंबर 1 पे डालने का एक रीजन ये भी है कि ये लैपटॉप एकदम लेटेस्ट 13 जनरेशन वाला प्रोसेसर के साथ आता है। एंड दूसरी चीज की इसमें आपको MS Office भी मिल जाता है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। पर इसको बाय करने के लिए आपको अपना बजट थोड़ा सा और इंक्रीज करना होगा, क्योंकि ये लैपटॉप आपको करंटली 40,000 का मिल रहा है। पर अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हो तो ये लैपटॉप आपको 39,000 का भी मिल जाएगा। लैपटॉप की बात करें तो इसमें आपको इंटेल का 13 जनरेशन वाला i3 1315U का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 6 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स वाला एक प्रोसेसर है। 8GB की DDR4 रैम मिल जाएगी, जिसको कि आप 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। 512GB की Gen 3 SSD दी गई, विच इज एक्सपेंडेबल। प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा लैपटॉप में, 14 इंचेस के फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी, 250 nits के ब्राइटनेस एंड 45% NTSC के साथ। इंटेल के USD ग्राफिक्स दिए गए, MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा, 41 वॉट आवर्स की बैटरी दी गई इसके अंदर, जो कि 65 वॉट के एडेप्टर के साथ आता है। बाकी सभी नेसेसरी पोर्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे और ये लैपटॉप आपको 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप इजिली निकाल कर दे देगा। तो ओवरऑल काफी बढ़िया लैपटॉप है, आप इसको एक बार जरूर से चेकआउट करना, इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ओवरऑल हमने इस वीडियो में 3 लैपटॉप्स देखे जो कि इस बजट में आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। बाकी आपका जैसा भी बजट है उसके हिसाब से आप लैपटॉप बाय कर सकते हो। वैसे आपको कौन सा लैपटॉप पसंद आया एंड आप कौन सा लैपटॉप बाय करोगे मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। तब तक के लिए चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो।